सवाल है कि कोई तरीका है क्या रोजमर्रा की जिंदगी में भय से मुक्त रहने का? बहुत तरीके हैं। दिल में अगर सच्चाई के लिए श्रद्धा है तो अनगिनत तरीके हैं। हर तरीका उसी क्षण की पैदाइश होता है जिस क्षण भय आघात करता है। मैं कोशिश करूंगा कुछ तरीके सुझाने की, सारे तरीके नहीं सुझा पाऊंगा क्योंकि अनगिनत हैं। भय आए तो पूछिए अपने आप से कि भय जो कुछ भी मुझे कह रहा है, जो भी कहानी सुना रहा है, वो कहानी अगर वास्तव में सच्ची है भी तो भी क्या? तो भी क्या? भय ने कहा ये नुकसान हो जाएगा, तुम कहो हो सकता है कि हो भी जाए, हम नहीं कह रहे कि नहीं होगा, मान ली तुम्हारी बात कि हो सकता है आज शाम तक हमें फलाना नुकसान हो जाए, हाँ हो गया तो भी क्या? हाँ हो गया ठीक तो भी क्या? अरे क्या बिगड़ जाएगा और कितना? वह कहेगा ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। आप पूछ लीजिए भय से पहली बार बिगड़ेगा? तू पहली बार आकर के मुझे चेता रहा है, तू पहली बार आकर के मुझे डरा रहा है, तू आज से 100 बार पहले भी मेरे पास आ चुका है और तू यही सब बातें मुझे कह चुका है कि आपका ये नुकसान हो सकता है और ये नुकसान हो सकता है। कई दफे वो नुकसान हुए भी हैं लेकिन हम जी गए, उन नुकसानों के बावजूद हम खड़े हुए हैं, जब उतने झेल गए तो ये भी झेल जाएंगे, हमारी हस्ती तो नहीं मिटती ना। तू 4 दिन पहले भी आया था, तूने यही सारी बातें कही, तू ही है ना वो, तू 4 दिन पहले भी आया था, तूने यही सारी बातें फूकी थी, तू ही है ना वो। हम जैसे ये 4 दिन जी गए वैसे ही आगे भी जी जाएंगे। जरूरतें अपनी कम रखिए, मांगे अपनी कम रखिए, जितनी आप अपनी जरूरतें और मांगे कम रखेंगे, भय के पास उतने कम उपाय होंगे आप पर हावी होने के, क्योंकि भय आपको यही बोल बोल के तो दबाता है। भय आपको क्या बोल बोल के दबाता है? तुमसे फलानी चीज छिन जाएगी। जब तुम्हारे पास चीजें ही बहुत कम है, जब तुम्हारी चीजों पर निर्भरता ही बहुत कम है, तो भय तुमसे बोलेगा क्या? भय आके बोले तुमसे ये छिन जाएगा, तुम भय से बोलो भाई जरा रुकना, तू वो तो ले ही जा, तू ये भी साथ में ले जा और आइंदा मत आना। तू जो जो धमकियां देता है तू अपनी सारी धमकियां पूरी ही कर ले, धमका मत, तुझे जो चाहिए ले जा, हम उसके बाद भी हैं। आप कहेंगे ये तो बड़ी हृदयहीन बात हुई, जो कुछ हमें प्यारा है भय हमें उसी को लेके धमकाता है, भय कहता है छीन ले जाऊंगा और आप कह रहे हैं कि भय से कहो कि छीन ले जाए। एक बात समझिए साफ साफ, जो कुछ भी भय आपसे छीन सकता है, जो कुछ भी स्थितियां घटनाएं या समय आपसे छीन सकता है, उसको आप बचाएंगे भी कहां? कहां तक बचाओगे? जो कुछ भी पक्का है कि आपसे छीनेगा, क्या वो वास्तव में आपका है भी? अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो तय है कि छिन जाएगी तो वो चीज आपकी तो नहीं है, या तो वो उधार की है या चोरी की है। आपके घर में एक चीज रखी है जो पक्का है कि घर से चली जानी है, क्या वो चीज आपकी है? या तो वो उधार की है, आप लेकर के आए हैं कुछ दिनों के लिए,
किराए पर ली है। जब किराए पर ली है तो आपको हक क्या है उसे अपना मानने का, या फिर वो चीज चोरी की है, आप उस पर जबरन हक जमाए बैठे हैं और पुलिस आपकी तलाश में है कि जिस दिन आप हक से चढ़े उस दिन आपसे वो चीज भी छीन ली जाएगी और आपकी आजादी भी जाएगी। आप ऐसी चीजों से दिल लगा क्यों रहे हो जो आपकी है नहीं? उन्हीं चीजों को लेकर के तो भय आप पर हावी होता है। जो वास्तव में आपका है उसको लेकर के आपको कौन डरा सकता है? ये गलती मत करो, जो तुम्हारा नहीं है उसको मैं से मत जोड़ो, उससे ममता मत बैठाओ। तुम सिर्फ दुख तैयार कर रहे हो। और निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है जो तुम्हारा है, पर उसका पता तो तब लगे ना जब उस सबसे जरा तुम्हें मुक्ति मिले जिससे बंधे बैठे हो। छोटी मोटी दो कौड़ी की चीजों से पहले तो दिल लगा लिया है, और दूसरी बात वो चीजें भी ऐसी हैं जो उधार की हैं, छिन जानी है। ये होशियारी देख रहे हो, उस चीज की कीमत क्या है? दो कौड़ी, और दूसरी चीज वो चीज है भी उधार, और उस चीज की खातिर दुख पा रहे हो। उस चीज की खातिर ये भय नाम का पहलवान आता है और रोज तुमको फूंक के जाता है, छीना छीना, अरे पकड़, अरे गया, और तुम रोज इधर उधर दौड़ लगाते हो उसे पकड़ने के लिए, कहीं छिन ना जाए, कहीं छूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। और इस चक्कर में जो आत्मिक है, जो असली है, जो तुम्हारा ही है, उससे कोई सरोकार नहीं। जिन्होंने जाना है उन्होंने समझाया है कि जो चीज छीनने को तैयार ही लगती हो उसको तुम जाने दो। जीवन कठिन नहीं है तो जीवन में जो कुछ भी तुम कठिनाई से पकड़े हुए हो वो असली नहीं है। कहें कबीर सो रक्त है जामे बेचाता, जो कुछ बनाए रखने के लिए खींचा तानी करनी पड़ती हो उसमें खून ही खून है। असली वो है जो सहजता से मिल जाए, जैसे जीव को सांस, जैसे जानवर को घास। जानवर दिन भर प्रयत्न करके घास नहीं पाता है, मैं खुले जानवरों की बात कर रहा हूं, हमारे बंधक जानवरों की नहीं। जो भी असली है वो पाने के लिए आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। हाँ, अहंकार चुकाना पड़ सकता है, सर झुकाना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आत्मा की बलि नहीं लगा चुकानी पड़ेगी। पहली बात तो चीजें बिना कीमत की, और दूसरी बात उन्हीं को लेकर के रोज की हैरानी परेशानी। जाने ही तो, क्या पता उनके जाने के बाद पता चले कि भला होता कि ये पहले ही चले जाते, भला होता ये चीज पहले ही छूट जाती। और अगर वो चीज ऐसी है कि असली है तो जाके भी नहीं जाएगी, तो वहां भी मत डरो। मान लो कि वो चीज असली ही थी तो तुम छोड़ भी दो तो कुछ नुकसान नहीं होने का, वो छूट के भी नहीं छूटेगी।
किसी और रूप में, किसी और तरीके से, किसी और संयोग से तुम्हें मिली ही रहेगी। डर डर के जो भी पकड़ोगे, पहली बात तो पकड़ने काबिल नहीं होगा, दूसरा उसे पकड़ पाओगे नहीं। प्रेम में पकड़ना दूसरी बात होती है, वहां ऊपर ऊपर से पकड़ना होता है, भीतर भीतर से तो प्राप्ति होती है। सब कुछ पूर्व प्राप्त होता है, ऊपर ऊपर से मिलने जा रहे होते हो, भीतर भीतर से पहले से ही मिले बैठे होते हो। ये होता है प्रेम में पकड़ना, कि ऊपर ऊपर से दूरी है और भीतर भीतर प्राप्ति है, मिलन है, योग है। और जब तुम डर में पकड़ते हो तो ऊपर ऊपर से भले ही पकड़ लो, भीतर ही भीतर दूरी बनी रहती है। दोनों में बड़ा अंतर है। प्रेम में प्रयत्न होता है ऊपर ऊपर, और डर में तुम कितना भी प्रयत्न कर लो भीतर भीतर दूरी ही रहती है, प्राप्ति कभी नहीं होती।